जय हिंद साथियों, सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसमें जिस साथियों ने कुछ बताया है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न था गुजरात के न्यायाधीश कौन है, पहले पूछा था गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, तीसरे में आ सकता है गुजरात का राज्यपाल कौन है। तो मैंने बताया था कि जो जो मेन मेन राज्य है उनके राज्यपाल मुख्यमंत्री और न्यायाधीश आप पढ़ लेना और आप ऑप्शन देख के आराम से टिक कर दो। दूसरा है जो डेमोग्राफी शब्द में डेमोस का अर्थ क्या है, डेमोस का अर्थ क्या है, कुछ शब्द होते हैं जैसे किसी परिस्थिति के में भी कुछ शब्द आते हैं जैसे जियोड हो गया उसमें कुछ शब्द हो गए डीमोस पोमोस ये शब्द होते हैं, इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, किसी का जल होता है किसी का पत्थर होता है ऐसे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आयु क्या होती है, मैंने बोला था कि राष्ट्रपति आप पढ़ लेना, राष्ट्रपति की शपथ आ सकता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है, ये चीज़ें आप पढ़ लेना। 1856 में किस कंपनी ने कानून बनाया कि कंपनी मजदूर को आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में ले जा सकती है, 1856 जैसे 1773 का रेगुलेटिंग बना था वैसे आगे से कई बने हुए चार्टर अधिनियम बना हुआ है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी देखनी है। आर्मी के एस के बुक में भी हैं, अपने नोट्स में भी हैं, तो आप सारे एक बार छान दो पूरा नोट्स। सोरतू की हड़प्पा सभ्यता में नहरों का पता कहाँ लगा, ये प्रश्न अच्छी तरह बताया था, सबसे ज़्यादा नहरें पाकिस्तान में हैं और सोरतू की और ये स्थान कहाँ पे है, ये पूरे टेस्टों के अंदर से आ रहे हैं, बाहर से आए तो अलग होता है, भी हमें कभी करवाया नहीं गया। आगे बढ़े न्यायाधीश की न्याय प्रणाली, न्यायाधीश की न्याय प्रणाली इतना ही लिखा है इसमें, अब इसमें ऑप्शन में क्या था वो मेरे को पता नहीं है, और सारा दिन वीडियो नहीं देख रहे जैसे मैं चढ़ा रहा हूँ, कोई और चढ़ा रहा है, फलाना चढ़ा रहा है, पूरे दिन वीडियो देखोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, पढ़ाई करनी है, टॉपिक देख लो कौन कौन से है, न्यायालय आ रहे हैं, न्यायाधीश आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो ये टॉपिक देख लो और टॉपिक के अकॉर्डिंग काम करो। मोती बाग प्लेस कहाँ है, तिब्बती बौद्ध श्रवण मंदिर कहाँ है, पहले वाले ने पूछा था कि मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, वो गुजरात में है, कामख्या देवी का मंदिर आ सकता है, ये इसमें तिब्बती बौद्ध श्रवण मंदिर आया है। पेशवा का दत्तक पुत्र कौन था, मैंने शिवाजी पढ़ाया था सभी स्टूडेंट्स को, तो पुरंदर किशन जी शिवाजी भोंसले कौन थे, शाहजी भोंसले के बारे में बताया था और बाजीराव के बारे में बताया था, तो ऑफिसली याद होगा, अच्छा ही किया होगा लड़कों ने। डक शब्द कौन से खेल में लिया जाता है, पहले में उन्होंने बैडमिंटन का चाइना में जो नाम है वो पूछा था, अब उन्होंने डक लिया है, ऐसे ही आगे वाले 2-3 पेपर होंगे उनमें कोई ना कोई पुरस्कार आ जाएगा खेल का। नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा था सुबह वाले शिफ्ट में, अब नहीं पूछा है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं, मान लो ये 1856 वाला एक्ट आपको याद नहीं तो तुक्का नहीं मारना, ये प्रश्न छोड़ दो, क्या हिस्ट्री का प्रश्न है आपको नहीं आ रहा तो 30 साथियों को और कोई नहीं आएगा, एक दो को आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल माइनस में नहीं जाना है, छोड़ दो जो नहीं आता उसको। एकनाथ शिंदे का संबंध किससे है, एक व्यक्ति तो जो मशहूर होता है उसके बारे में होता है, एकनाथ शिंदे किससे संबंधित है, नीचे लिखा होगा राजनीति फिल्म जगत या खेल जगत, तो आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता ही होगा और उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। नए पेड़ लगाकर पेड़ काटने के स्थान को भरना क्या कहलाता है, वृक्षारोपण भी हो सकता है, जूमिंग भी हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे आप, ऑप्शन क्या है आपके पास उसके अकॉर्डिंग उत्तर दोगे। तटरक्षक का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में तटरक्षक का मुख्यालय, तो जैसे तटरक्षक आते ही कोई मेरे जैसा भाई नहीं पड़ा होगा तो वो भागेगा तटों पे, गुजरात करेगा या चील का झील उड़ीसा करेगा, तो ऐसे इन चीज़ों से आपको बचना है। आगे वाले पेपर के लिए आप रेलवे के मुख्यालय पढ़ देना, पश्चिमी रेलवे उत्तर मध्य रेलवे रेलवे के मुख्यालय कहाँ है, इससे पहले वीडियो डाला उसमें मैंने बताया था कि एकादा मंदिर दोबारा आएगा और ये इसमें आगे तिब्बती बौद्ध मंदिर कहाँ है, तो आप पढ़ लो जो बता रहा हूँ। राष्ट्रपति के बारे में बोला हुआ है पिछले वीडियो में कि राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति के जो जो मेन मेन चीजें आयु नागरिकता ये सारे पढ़ लो। निम्न में से अजैविक घटक है, उसने कुछ घटक दिए होंगे ऑप्शन में और उसका ये चम्मच का आंतरिक हिस्सा किसके समान होता है, अवतल के समान होता है, अवतल के समान होता है दिशा होता है ना, तो उसके ऊपर प्रश्न है। और कल से आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि लेंस दर्पण चुंबक बता रहा हूँ ना, लेंस दर्पण चुंबक आंख ये चारों चीजें बार बार पढ़ते रहना, इससे बहुत प्रश्न आएंगे। आकृति आकार रंग वस्तु पदार्थ में कौन से गुण है, आकृति आकार रंग पदार्थ के कौन से गुण है, यह है इसमें आकृति आकार रंग पदार्थ के कौन से गुण है। अमावस्या में कौन सा अमल होता है, सिरके में कौन सा अमल होता है, सुबह मैंने बताया था सिरके में कौन सा अमल होता है, अभी बताया पहले वाले वीडियो में, उसमें आया था टाइट्रिक अमल किस में होता है, तो मैंने बोला था टाइट्रिक अमल पूछ लेगा
और सिरके में कौन सा अम्ल होता है ये पूछ लेगा, अंगूर में कौन सा अम्ल होता है ये पूछ लेगा, तो ये प्रश्न इसमें आ गया, सिरके में कौन सा अम्ल होता है। मलेरिया किससे फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। निम्न में से भौतिक परिवर्तन है जैसे मोमबत्ती का जलना वगैरह, उन्होंने बताया होगा कुछ ऑप्शन दिए होंगे, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में से। प्रकाश प्लस उष्मा दोनों देने वाला बल्ब क्या कहलाता है, प्रकाश प्लस उष्मा दोनों देने वाला बल्ब क्या कहलाता है। मादा में पाए जाने वाले अंडाणु को क्या कहते हैं, एक आगे घरेलू घरेलू करके जो क्वेश्चन है वो कटा हुआ इसमें पूरा है नहीं। आगे है मैथ के क्वेश्चन है, 54% को भिन्न में बदलो, 36 का पूरा कौन बताओ, x प्लस 1 बटा x बराबर 12 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर क्या होगा। कार्य मजदूरी a प्लस b प्लस c बराबर 20 है, a बराबर 24 है तो a b c क्या होगा। 32.04 मीटर कपड़े को 12 भागों में बांटने पर एक भाग की लंबाई बताओ, साधारण व्यास का 1%, आयत का क्षेत्रफल लंबाई 14.7 है तो आयत का क्षेत्रफल बताना बहुत आसान है। त्रिभुज का परिमाप बताओ, यदि भुजा 4.5, 5 और 6.2 है, 3:5 बराबर 2 है तो 13,450 को 3 हिस्सों में बांटो। सांझा का क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, 3:5 को जोड़ के भाग दे के गुणा में 3 लिख देना। माता पिता को और दो पुत्रियों की आयु का औसत 32 है, माता पिता की आयु का औसत 44 है तो पुत्रियों की आयु का औसत बताओ। रेलगाड़ी का 1% है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग छाण में है तो दूसरी संख्या बताओ। MDH का सवाल है, MDH का सवाल होता है जैसे इतने बंदे इतने दिन में इतना काम कर सकते हैं। 180 और 252 को विभाजित करने वाली बड़ी संख्या बताओ। x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर -1 है तो x, y माइनस वाई जेड का मान बताओ। 4 प्रश्न ए बी सी श्रृंखला रीजनिंग क्या है और एक साधारण भिन्न वाला है। तो ये था आज के क्वेश्चन जो स्टूडेंट लिख के भेज रहे हैं प्रश्न होने के बाद, तो आप भी आगे प्रैक्टिस करें, तैयारी करें और अच्छे स्टूडेंटों से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।